नमस्कार, स्वागत है भमतो एजुकेशन के इस चैरिटेबल प्रोग्राम में। तो जिस माध्यम से भी आप टेस्ट पेपर पहला दिए हो भमतो एजुकेशन का, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से दिए हो, मेरे यूट्यूब के माध्यम से दिए हो, ऑनलाइन दिए हो या फिर ऑफलाइन मेरे इंस्टीट्यूशन पे आकर के आप दिए हो, किसी भी माध्यम से दिए हो, तो पहला जो एनालिटिकल पार्ट था उसको मैंने आप लोगों के सामने एनालिसिस किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो मेरा पहला टेस्ट है भमतो एजुकेशन का, वेरी फर्स्ट टेस्ट फॉर बीपीएससी 65वीं एग्जामिनेशन पीटी के लिए, तो आज मैं उसका दूसरा जो एनालिसिस पार्ट है, यानी कि जो ट्रेडिशनल वाला पार्ट है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स का जो सेक्शंस है, उन सभी क्वेश्चन को मैं आज देखने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ लिए चलता हूं आपको 30वां क्वेश्चन पे, सीधा 30वां क्वेश्चन पे आइए। इससे पहले वाले क्वेश्चन पे हमने देखा था किस प्रकार से उसका एनालिसिस हुआ था। 30वां क्वेश्चन कह रहा है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन होगा करेक्ट, 30 का ऑप्शन बी होगा। जैसे कि हम सब जानते हैं गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, बौद्ध धर्म का स्थापना गौतम बुद्ध ने किए थे और ये पहला अपना उपदेश सारनाथ में उपदेश दिए थे वेरी फर्स्ट। उस समय इसके जो पांच मित्र थे उन्हीं पांच मित्रों को ये पहली बार जो है अपने धर्म में दीक्षित किए थे। वो कुछ इस प्रकार से है, कौंडन्या, दूसरा जो इसके मित्र थे वो थे आपका बुद्धिया, तीसरा जो इसके मित्र थे वो थे बप्पा, चौथा जो इसके मित्र थे वो थे आपका महानामा, और पांचवा जो इसके मित्र थे वो थे अस्सजी। तो ये पहली बार जो है जिस समय गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का परिवर्तन करने के साथ ही उसको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वहां पे यह जो है पांच इसके शिष्य बने थे। अंतिम समय में बुद्ध अपने मृत्यु के अंतिम समय में, जो ऑप्शन बी है सुभद्र, इसको ये दीक्षित करने के बाद फाइनली रूप से वह इस जो है मृत लोक को त्याग गए थे, अपने शरीर का वो त्याग कर दिए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट होगा। इन सब पॉइंट को आप याद रखिएगा, क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में इस तरह के पूछे जाते हैं, सो रिकॉल कीजिएगा इस बातों को बार बार। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 31वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवर संत नहीं है? अलवर है, दो प्रकार के संत हुए थे, तो यहाँ पे 31 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 31 का बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो गया। देखिए मैं आपको इस बारे में कुछ डिटेल एनालिसिस कर दूं, तो दक्षिणी भारत में जिस प्रकार से उत्तर भारत में जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का और जो 63 संप्रदाय था उसका यहाँ पे विस्तार हो रहा था, तो उसी प्रकार से दक्षिणी भारत में खास करके जो आपका कर्नाटका इलाका है, महाराष्ट्र का इलाका है और दक्षिण भारत के तमिलनाडु वाला इलाका है, वहाँ पे अलवार और नयनार संत। देखिए अलवार संत ये शिव के उपासक थे और अलवार विष्णु के उपासक थे, तो अलवार में कुल 12 संत हुए और इसमें कुल 63 संत हुए। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में और 6वीं सदी में, इस बात को आपको याद रखना है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था, तो यहाँ पे तिरुज्ञान जो है ये अलवार संत नहीं थे और यही इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मौर्य काल में सीता क्या था? 32वां क्वेश्चन पे आइए, कहता है सीता क्या था, तो ये राजकीय भूमि, ठीक ना, इसको सीता बोला जाता था। यहाँ पे ऑप्शन में है सी, तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा, 32 का सी करेक्ट आंसर होगा। मैं मौर्य वंश के बारे में आपको कुछ बता दूं, मौर्य वंश के बारे में, तो देखिए ये मगध वाला इलाका जो कि आज का पाटलिपुत्रा है, पटना है, उसी के आसपास यहाँ पे ये जो मौर्य वंश था, अभी फिलहाल पटना में ही, तो वो इसका राजधानी हुआ करता था मौर्य वंश का। तो उससे पहले हमको समझना होगा मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व मगध के काल को, तो मगध पे कई शासकों ने शासन किया,
मगध। मगध कह सकते हैं कि पूरा भारत का एक केंद्र बिंदु हुआ करता था उस समय में, और इससे कई शासकों ने शासन किया। अगर मैं वंशों की बात करूं तो हसीना याद रखिएगा, हसीना याद रखिएगा, हसीना याद रखना है आपको, और मान जाएगी तो म से केवल इतना तक याद रखना है, ह से हरियक वंश, स से शिशुनाग वंश, और न से नंद वंश। इसी नंद वंश को समाप्ति करके, महापदम नंद वंश को हटा करके, फाइनली रूप से जो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने जो है मौर्य वंश की स्थापना किया। और उस समय मौर्य वंश ही एक ऐसा वंश था, अगला क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलेगा कि इसकी साम्राज्य केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर के इलाकों पर भी इसका साम्राज्य था। तो कहते हैं ग्रेट मौर्य, तो वही वो ग्रेट मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड था, जिसको आगे आने वाले शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक, ये सब जो है उसको और बहुत ऊंचाई तक ले गया था। तो इसको याद रखना है, हसीना मान जाएगी, तो हसीना याद रखना है, मौ से केवल मौर्य वंश याद। बीपीएससी सबके क्वेश्चन में बहुत सीरीज में आपको देगा पूछने के लिए, पूछा जाता ही है निम्नलिखित में से वंशों का सीरीज बताइए, दे देगा हरियक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, फिर गुप्ताज वंश, कुषाण वंश, हिंद यौवन का शासन। तो आपको इस ये सब चीज कुछ याद रखना है, हसीना मान जाएगी, बस इतना नहीं मनाना है, केवल मौर्य वंश तक आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में लिया गया है? तो ये देखिए ऋग्वेद से लिया गया है, इसके बारे में मैं यहाँ पे कुछ जिक्र कर दूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऋग्वेद सबसे हिंदुओं का पुराना धार्मिक ग्रंथ है, मुख्य रूप से चार वेद हुए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना जो है वेद है, और इसमें दस मंडल और 1028 सूक्त हुए थे। ठीक, ये ऋग्वेद का हम बात करते हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल 1028। तो इसी के जो तीसरा मंडल है ना, इसी के तीसरा मंडल में, थर्ड मंडल में ये गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया है, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। तो इस बात को आपको याद रखना है। इसके अलावा ऑप्शन में मैं मनुस्मृति है, मनुस्मृति पर मैं कुछ यहाँ पे जिक्र कर दूँ। तो जो हिंदू विधि विधान है, जिस पे हम हिंदूवासी लोग जो हैं मानते आ रहे हैं, तो हिंदुओं का राजनीतिक और सामाजिक जो एक कह सकते हैं नीति विधान है, वो मनुस्मृति में ही लिखा है। अर्थव वेद में मुख्य रूप से अर्थवा ऋषि द्वारा यह रचित 40 अध्याय है, जिसमें कि 711 सूक्त है। और साथ ही गीता का बात करूं तो निष्काम कर्म योग करने का जो बात कहा है, वो श्री कृष्ण जी गीता में उपदेश देते हैं अर्जुन के सामने। तो ये हिंदू धर्म से ही संबंधित सब ग्रंथ है। तो ये जो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऋग्वेद होगा, इन सभी बातों को भी आपको दिमाग में रखना। देखिए यहाँ पे मैं बोलता कुछ ज़्यादा हूँ, इतना बात को मैं लिख पाऊँगा तो वीडियो 2 घंटा का बन जाएगा। सो आप लोग बहुत ही शिद्दत के साथ मेरी आवाज़ों को अपने कानों के अंदर जाने दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 34वां पे हम आते हैं। 34वां क्वेश्चन कह रहा है, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, एक शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करता है, जैसे कि नटराज मूर्ति है तो वो डांस शिव का जो है तांडव रूप का जिक्र करता है, उसी तरह से ये मूर्ति जो है दक्षिणा प्रतिमा वो जो है शिक्षक के रूप में वहाँ पे उसको जिक्र करता है। तो आपको इसको याद रखना है, डी का शिक्षक होगा आंसर। 35वां क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो यहाँ पे देखिए सी आंसर होगा इसका, 35 का सी होगा। देखिए चीनी लेखकों या फिर यात्रियों का बात कर लीजिए, तो सबसे पहले फाहियान आया, फिर फाहियान के बाद फिर ह्वेनसांग आया, ह्वेनसांग के बाद इतसांग आया, ये सब सभी चीनी के जो चीनी यात्री थे। यहाँ से जाने के बाद ये सब जो बौद्ध धर्म की बारे में विशेष जानकारी लेने के लिए भारत की ओर मूव किए थे,
तो यहाँ से जाने के बाद जो है वो वहाँ पे लेखनी कार्य शुरुआत करते हैं भारत से लौटने के बाद। तो उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ लिखे, कुछ अच्छा भी लिखे, यहाँ पे सोसाइटी के बारे में कुछ अच्छा भी लिखा, कुछ बुरा भी लिखा जो उन्होंने देखा। तो उन्होंने यहाँ के भारत का उल्लेख जो है यून तू नाम से किया है, यून तू नाम से किया है भारत का उल्लेख। तो आपको इस बात को याद रखना है 35 क्वेश्चन में, यून तू नाम से किया है। और यहाँ पे मैं बता दूँ को ह्वेन सांग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन ये सब है। तो इन सभी बातों को भी आपको दिमाग में रखना है, किसको, वेन सांग को, वेन सांग को यात्रियों में राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, का राजकुमार कहा जाता है। इस बात को भी आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से याद रखना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 36वां, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा था, ये क्या था। तो देखिए दारुल सफा, फिरोज तुगलक दारुल सफा जो था यह एक खैराती अस्पताल था, खैराती अस्पताल। देखिए खैराती अस्पताल, इसमें मुख्य रूप से क्या होता था, तो विधवाएं थी, जो लाचार औरतें थी, इन सबों को वहाँ पे मुफ्त में इलाज और दवाई करवाने का ये जो है जगह था। और फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया, फिरोज शाह तुगलक कई कार्य किए थे, सिंचाई के लिए नहर का निर्माण किया था। तो ये सब जो है जैसे दिल्ली संतरन पढ़ेंगे ना, तो दिल्ली संतरन में गुलाम वंश का दौर आता है, गुलाम वंश के बाद फिर खिलजी का काल आता है, फिर तुगलक का काल आता है, सैयद का काल आता है, लोधी का काल आता है। तो ये सब जो है दिल्ली संतरन से संबंधित है। तो तुगलक जो है उन्होंने ये काम करवाया था, खैराती अस्पताल इसका आंसर होगा 36 का। मुफ्त में चिकित्सा सुविधा यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाता था विधवा औरत के लिए, लड़कियों के लिए, जो लाचार लोग था मुख्य रूप से उसके लिए ये काम करवाया था फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 37 क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था। तो इसका आंसर होगा डी। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 37 का आंसर होगा डी, इल्तुतमिस। देखिए इल्तुतमिस इन्होंने कई सारे काम करवाए थे। इल्तुतमिस का अगर मैं बात करूं तो इन्होंने सबसे पहले कुतुब मीनार के निर्माणों को पूर्ण करवाया। पहला काम कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को पूर्ण करवाया। चलिए इसके अलावा और इन्होंने क्या क्या वो देख लेते हैं। इसके अलावा सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के, ठीक ना, शुद्ध अरबी के सिक्के जो है इन्होंने चलाने का काम किया। और शुद्ध अरबी के सिक्के, चांदी का टंका, ठीक ना, और जो है तांबे का जीतल इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। तीसरा इन्होंने मुख्य काम ये करवाया था कि इकता प्रणाली प्रारंभ करवाया था। चौथा काम इन्होंने ये करवाया था कि दिल्ली में सर्वप्रथम अमीरों का दमन किया था। और यहाँ पे बता दूँ कि इन्होंने तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किया था, जिसमें कि 40 जो इसके गुलाम लोग थे, जो अमीर लोग थे, उन्हों के मार्फत से इन्होंने तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण करवाया था। तो ये तो संगठन बनाया था 40 गुलाम सरदारों का, इन्होंने 40 इसमें क्या था 40 गुलाम सरदार का एक संगठन, सरदारों का संगठन को क्या बोलेंगे, तुर्कान ए चहलगानी, जिसको कि इल्तुतमिस ने बनाया था। तो इस प्रश्न के माध्यम से आपको इतना मुख्य पॉइंट याद रखना है जो कि क्वेश्चन के रूप में किसी रूप में आपको देखा जाएगा,
चाहे वो पीसीएस में हो या यूपीएससी में हो, जब आप तैयारी कर रहे होते इन सभी बातों को दिमाग में रखना होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है 38। 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 38 क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? तो तेज बहादुर, सप्रू और जयकर। इसका आंसर हो जाएगा सी, तेज बहादुर, सप्रू और जयकर। ये जो है ये स्वराज्य की मांग की थी। देखिए, तेज बहादुर, सप्रू और जयकर ने नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति में जो थे ये शामिल थे, और जिसमें कि भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग किए थे। तो इस बात को आपको याद रखना, तेज बहादुर, सप्रू और जयकर को। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 39 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे मैकलम के जगह पे मैकलम के जगह पे एलेन बरो जो है ये किया था दास्ता का अंत। तो आपको ये याद रखना था, एलेन बरो मुख्य रूप से 1842 ईस्वी में भारत आया था और ये गवर्नर जनरल बना था। 1842 में गवर्नर जनरल बना था एलेन बरो। और इसके बारे में बता दूं तो यह पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था, इसका यह अध्यक्ष था। कौन? एलेन बरो। तो एलेन बरो के बारे में आपको इतना बात याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया है पुनः जजिया कर लगाना, तो यह फर्रुखसियर द्वारा किया गया था। मसूलीपट्टनम पर अधिकार ये विलियम फोर्ड द्वारा किया गया था, सही है। सती प्रथा निषेध अधिनियम यह लॉर्ड बेंटिक द्वारा किया गया था। तो ये सभी करेक्ट मैट है। बाकी का डी ऑप्शन जो था दास्ता कांत, यह एलेन बरो द्वारा किया गया था, आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आते हैं 40 क्वेश्चन कह रहा है, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? तो इसका ऑप्शन होगा सी, बदायूनी। देखिए, बदायूनी जो था अकबर के धार्मिक नीति से बहुत विरोध करता था, कट्टर उसका जो था कह सकते हैं एंटी था। लेकिन अकबर के आदेश के बावजूद, मतलब आदेश, राजा का आदेश होता है, तो अकबर के आदेश पर ही इन्होंने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। बाकी का जो और जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे अबुल फजल ये पंचतंत्र की रचना किया था, इसको याद रखना है। और फायजी जिन्होंने गणित की पुस्तक लीलावती जो है इसी के द्वारा किया गया था रचना। देखिए क्या है ना, अकबर अपने के शासन काल के दौरान में बहुत सारे कार्य किए, जैसे जजिया कर को समाप्त किया था, इसके अलावा जो है हिंदुओं पर अलग प्रकार का जो टैक्स लगाया जाता था, जजिया उसी को उन्होंने समाप्त किया था, इसके अलावा दास्ता का अंत, बहुत सारे कार्य किए थे, झरोखा दर्शन, उसके अलावा और भी था, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किया था। इस सब के बावजूद उन्होंने एक काम अनुवाद विभाग का भी स्थापना किया था। तो अनुवाद विभाग के अंतर्गत ही पंचतंत्र हो गया, लीलावती हो गया, बदायूनी का ये जो आपका रामायण का फारसी में अनुवाद करवाने का काम हो गया, तो ये सब अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन से हमको इतना मुख्य बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है 42 डक्कन एजुकेशन सोसाइटी से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 42 डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? तो यहाँ पे याद रखना है कि राणा देवी संबंधित है, दयानंद सरस्वती या फिर फिरोज शाह मेहता या फिर बाल गंगाधर तिलक कोई। तो देखिए यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, बाल गंगाधर तिलक। देखिए दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के बारे में यहाँ पे कुछ जिक्र कर दूं, तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में हुआ था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ में थे बाल गंगाधर तिलक,
बाल गंगाधर तिलक, इसके अलावा हो गया चापुलेंकर, भी के चीप लूंकर, इसके अलावा एक व्यक्ति और थे नाम जोशी एम बी, नाम जी एम बी नाम जोशी। इन्होंने क्या किया था तो इसकी स्थापना किए थे 1880 स्कूल में ईस्वी में, अंग्रेजी स्कूल जो कि आपका डक्कन एजुकेशन सोसाइटी पूना में, पूना में एक इंग्लिश स्कूल था वहीं पे इन्होंने डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में किए थे, जिसमें कि बाल गंगाधर तिलक, भी के ची पुलिंकर, एम बी नाम जोशी जैसे प्रमुख व्यक्ति वहाँ पे मौजूद थे। एक ऑप्शन में यहाँ पे है ये क्या इससे संबंधित एक क्वेश्चन और हम कहीं देख रहे थे क्या कि एम जे राणा डे, यहाँ भी है जस्टिस राणा डे एक ऑप्शन में, क्या यह इससे संबंधित हैं? तो देखिए संबंधित हैं, लेकिन याद रखना है कि इसके संस्थापकों में नहीं थे, बाद में ये इनसे जुड़े थे। इस पॉइंट को इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 43 क्वेश्चन कह रहा है आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमों में उनके पक्ष में निम्नलिखित में किसने वकालत की थी? तो ये ऑप्शन आएगा डी, ये था तेज बहादुर सप्रू किए थे। तो यहाँ पे देखिए पीके सहगल, ये जो लाल किला मुकदमा था 1945 में चलाया गया था देशद्रोह के आरोप में मुख्य रूप से, यहाँ पे थे पीके सहगल, इसके अलावा थे गुरु दयाल सिंह ढिल्लन, इसके अलावा एक व्यक्ति और थे शाहनवाज खान। इन तीनों पे देशद्रोह के आरोप में लाल किला मुकदमा चलाया गया था, जिसमें कि भारत के कई सारे जाने माने वकील जो हैं इसके समर्थन में आए थे, वो थे तेज बहादुर सप्रू। यहाँ पे ऑप्शन में यही इसका आंसर हो जाएगा, और थे जवाहरलाल नेहरू जी थे, जे एल नेहरू। इसके अलावा फिर भूला भाई देसाई थे, काटजू थे भूला भाई देसाई, इसके अलावा फिर थे के एन काटजू, इसके अलावा और भी सारे वकील थे इनके समर्थन में आए थे उस समय। तो इस बात को यहाँ पे याद रखना। देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता जो किए थे वो भूला भाई देसाई किए थे, वकीलों के समूह की अध्यक्षता कौन किए थे? भूला भाई देसाई। क्वेश्चन में आपको दे देता है इस तरह के क्वेश्चन को कि लाल किला मुकदमा जो चलाया गया था मुख्य रूप से तीन व्यक्ति पे, कौन कौन? पीके सहगल, गुरुदयाल सिंह ढिल्लन, शाहनवाज खान। तो यहाँ पे तीनों पे मुकदमा चलाया गया था, तो उस समय वकीलों की एक लॉबी ने इसके समर्थन में आए थे, उसका अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना है आपको भूला भाई देसाई को। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जालियांवाला बाग से संबंधित है 44वां क्वेश्चन जालियांवाला बाग से संबंधित है। भारत के कह सकते हैं कि इतिहास का सबसे क्रूरतम हत्या अंग्रेजों द्वारा करवाया गया था, ठीक ना, बैसाखी के दिन। तो याद रखना है आपको पंजाब के जालियांवाला स्थान पर। तो यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्याग दे दिया था? तो यहाँ पे याद रखना है ऑप्शन इसका सी होगा, 44वां का सी आंसर करेक्ट होगा, शंकर नायर, ठीक, शंकर नायर जी को आप याद रखिएगा। और यहाँ पे और याद रखना है महात्मा गांधी जी ने, एम गांधी ने यहाँ पे कैसर ए हिंद की उपाधि से त्याग दिया था, कैसर ए हिंद की उपाधि से त्याग दिया था। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने सर की उपाधि से त्याग दिया था। और एक व्यक्ति और थे जमुना लाल बजाज, इन्होंने
राय बहादुर की उपाधि से त्याग दिया था। तो इनको याद रखना है, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उससे कौन त्याग दिए थे, शंकर नायक, और क्या दिए थे, इन्होंने अपनी उपाधि को त्याग किया था, महात्मा गांधी कैसर हिंद की उपाधि से, रविन्द्रनाथ टैगोर सर की उपाधि से, जमनालाल बजाज राय बहादुर की उपाधि से त्याग दिया था, आपको इसको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन पॉलिटी से है, पॉलिटी वाला सेक्शन को देखते हैं, हिस्ट्री वाला सेक्शन एक दो क्वेश्चन और बाद में होगा कहीं पे, लेकिन कुल मिला के यहीं पे करीब हिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था किया गया है। तो यहाँ पे इसका होगा 45 का क्वेश्चन, 169 आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें इसी बात का जिक्र किया गया है, 169वां आर्टिकल 169 में। अगर लोकसभा चाहे तो वहाँ पे विधान परिषद को हटा सकता है, भंग कर सकता है, लेकिन इसके लिए स्थापना के बारे में उस स्टेट को, जिस स्टेट में कि विधान परिषद की स्थापना करना हो, विधान मंडल में उपस्थित और मतदान करने वाले लोगों की सहमति चाहिए, और 2/3 मेजोरिटी, याद रखना है 2/3 मेजोरिटी जब तक नहीं मिलेगा तब तक उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना नहीं होगी, उसके बाद फिर भेजा जाता है लोकसभा में, फाइनली मंजूरी मिलता है, फिर उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना हो जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करने का जो प्रोविजन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो ये है 338 और 338 ए, इस बात को आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन के माध्यम से इसका ऑप्शन कौन जाएगा, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ए इसका होगा, 46 का ए आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो ये 331 अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका भी ऑप्शन ए ही करेक्ट है, याद रखना है आपको। अगर राष्ट्रपति को यह हो जाता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के जो लोग हैं उसका लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तब इस प्रकार का कार्रवाई वहाँ पे किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेले थे, अगला क्वेश्चन है 48 में, तो यहाँ पे 48 जो डी है ना, 48 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी देखिए सब करेक्ट है। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का बात किया गया, देखो महात्मा गांधी द्वारा बार बार कहा जाता था कि ग्रामीण स्तर पर जाकर के शासन का विकेंद्रीकृत, देखो लोगों की जनभागीदारी का बात करो। 44 में है समान नागरिक संहिता, बिल्कुल कलेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48 आर्टिकल, ये कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। 48 का 48 आर्टिकल जो है कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है, तो आपको ये याद रखना है, ऑप्शन में दिया है यही, तो यही गलत है, नगर पालिका से संबंधित नहीं है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है मुंबई मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, देखिए इसके लिए आपको याद करना होगा 1861 ईस्वी का जो भारत में आया था इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसी के अंतर्गत जो है कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास तीनों जगह पे हाई कोर्ट स्थापना करने का बात कहा गया था, और इसी प्रकार से हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था 1861 ईस्वी में। एक एक्ट पारित किया गया था, द एक्ट का नाम था द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, इसी के आधार पर ये तीन जगह पे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाईकोर्टों की स्थापना किया गया था, इस बात को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, 50 क्वेश्चन, जिला समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिशों कि उसका सभापति कौन था, देखिए ये बलवंत राय मेहता द्वारा किया गया था त्रिस्तरीय, बलवंत राय मेहता, याद रखना है ये 1957 की घटना है, और यहीं पे त्रिस्तरीय
स्तरीय जो है पंचायत बनाने की बात कहा गया था, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली को अपनाने की बात कहा गया था, शासन की विकेंद्रीयकरण, ठीक ना। तो जिस प्रकार से केंद्र हो गया, राज्य हो गया, स्टेट हो गया, उसके नीचे फिर जाते हैं, तो वहाँ भी स्टेट में तीन स्तर पे, जैसे कि ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, फिर उसके ऊपर स्तर पे राज्य जो है वो देखेगा जिला परिषद, ठीक ना। तो ये सब जो बात कहा गया था 1957 के जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी ना, तो उस पर अशोक मेहता कमेटी दो स्तरीय बात बनाने की बात कही थी जो ग्राम पंचायत है वहाँ पे। इसके अलावा थुंगन समिति के ही सिफारिश के आधार पर, याद रखने वाला बात है यहाँ पे थुंगन समिति, इसीलिए इसको याद रखना है कि इसी समिति के सिफारिश के आधार पर 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 1992-93 में जो है इसको यहाँ पे एडॉप्ट किया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि शासन की त्रिस्तरीय प्रणाली बनाने की बात कहा गया था थुंगन समिति की रिपोर्ट के आधार। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 51वां कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जहांगीर के विरुद्ध कौन विद्रोह किया था। देखिए कई सारे लोग विद्रोह किए थे, सबसे पहले जहांगीर के विद्रोह खिलाफ, देखिए अकबर के मरने के बाद उसका बेटा जहांगीर जो है शासन की सत्ता संभालता है। जहांगीर, वही जहांगीर जो जिसका नाम सलीम हुआ करता था, अनारकली की सलीम, सलीम की अनारकली, तो यही जो सलीम है ये वहाँ पे शासन का भागदौर संभालता है और वहाँ पे अपना नामकरण करवाता है नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी, इतना बड़ा वो अपना नाम लेकर के सिंहासन पे बैठता है और बैठने के साथ ही उसके काल में कई सारे विद्रोह हो जाता है। खुर्रम जो कि इसका बेटा है शाहजहां, उसी का विद्रोह होता है, किसका, खुर्रम का, ठीक। इसके बाद खुर्रम के विद्रोह के बाद महाबत खां का और महाबत खां के बाद ही विद्रोह होता है खुसरो का विद्रोह होता है। खुर्रम का विद्रोह होता है ये आपका 1626 ईस्वी में, इसका महाबत खां का विद्रोह होता है 1626 ईस्वी में, और खुसरो का विद्रोह होता है 1626 में, पहले खुसरो का फिर इसका विद्रोह होता है। तो आपको ये बात याद रखना है जहांगीर के काल में हुआ था, इन सब पॉइंट को दिमाग में रखना होता है। पीटी का क्वेश्चन क्या होता है ना, मैक्सिमम प्रैक्टिस मांगता है, डिटेल में जाकर के पढ़ते रहिए, खूब क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिए, वही क्वेश्चन रिपीट मोड में फिर पूछ ही देता है। स्टेट पीसीएस में करंट ज़्यादा पढ़ना होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये क्वेश्चन इतना पूछता है, इसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना होता है। उसके बाद बच जाता है इकोनॉमिक्स का डेटा वाला क्वेश्चन से कम क्वेश्चन आता है, करंट के ही सेक्शन के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार से आपका तकरीबन जो है 75 क्वेश्चन 150 में से 75 क्वेश्चन जो है आपका फुल्ली जो है बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, ठीक ना। और इतना अगर कर लेते हैं तो बाकी का 25 क्वेश्चन भी आप इधर से कर लेते हैं तो आपका स्कोर 100 हो जाता है। बहुत ही असंभव ही होगा कि कोई व्यक्ति 100 स्कोर कर ले और उसका पीटी ना हो, तो ये मान के चलिए बस यही ट्रेंड है, इसमें आपका गलती ना होना चाहिए, बाकी आपका पीटी कभी नहीं रुकेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, 52 का विलियम हॉकिंस। देखिए क्या था ना, उस समय में इंग्लैंड का शासन था जेम्स प्रथम के हाथों में, और जेम्स प्रथम जो है जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में यह कहकर भेजा था कि व्यापार के जो है तुम उससे अनुमति लेके आओ, लेकिन वहाँ पे अनुमति नहीं मिलता है। और फिर 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम थॉमस रो को राजदूत बना के भेजता है, जहांगीर ने उसे व्यापार संबंधी विशेष अनुमति प्रदान करता है, तो विलियम हॉकिंस को अस्थायी रूप से तत्काल नहीं मिलता है, लेकिन बाद में जो है थॉमस रो को यहाँ पे अस्थायी रूप से मिल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 56वां, ये हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे कि बताया था आपको कि एक दो क्वेश्चन और आगे मिलेगा। क्वेश्चन है, 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी।
तो ये मोहम्मद अली जिन्ना की थी। देखिए 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब और आगा खान ने मिल करके वहीं पे ढाका में ही सलीमुल्लाह मोइसुन उल मुल्क, यह नाम था मुस्लिम लीग, इसका नाम रहता है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में ढाका का नवाब मोहसुद्दीन उल ढाका का नवाब नवाब सलीमुल्लाह मोहसिनुल मुल्क नाम रहता है इसका, और यह आगा खां के साथ मिलकर के वहाँ पे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। तो वहाँ पे यह कहा गया था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना के समय में कि मुस्लिमों जो है भारत के मुसलमान अंग्रेजों के सपोर्ट में रहेगा, उसकी नीति को समर्थन करेगा, यह बात समझाना था हिंदुस्तान के मुसलमानों से। तो इसी को समझाने बुझाने के क्रम में ये सम्मेलन आयोजन किया गया था। फिर बाद में चल करके 1907 में भी एक संविधान तैयार किया गया जहाँ पे भारतीय मुसलमानों से अंग्रेज सरकार के प्रति निष्ठा रखने की लिखित रूप में बात कही गई थी, याद रखना है इस बात को, ठीक ना, और उसके प्रति निष्ठावान होकर के उसकी नीति को समर्थन करवाना था। तो इसी अंग्रेजी सरकार के नीतियों के समर्थन में जो है अपना एक मुस्लिमों का सम्मेलन बुलाया था 1940 ईस्वी में, जहां पर की अध्यक्षता उसके किए थे मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखना है मोहम्मद अली जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक ना। और यहां पे हुआ था कहां पे, यह तो लाहौर में हुआ था अधिवेशन, कहां हुआ था लाहौर में। तो इस लाहौर को मोहम्मद अली जिन्ना को 1940 ईस्वी को 1906 ईस्वी को 1907 ईस्वी को आपको याद रखना है। इस पॉइंट से हमने इतना बात को सीखा, तो बहुत ही शिद्दत से इस सब बातों को ध्यान एक दो बार वीडियो देखिएगा, क्लियर हो जाएगा हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न आपके। अगला क्वेश्चन है स्त्री से ही संबंधित, तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है। तो ये तिनकठिया एक बीघा जमीन पर 3 कट्ठा अर्थात 20 कट्ठा जमीन पर 3 कट्ठा खेत पे नील की खेती करवाने के लिए अंग्रेज जो है वो चंपारण में आतुर था उत्तरी बिहार में। तो राजकुमार शुक्र पे गांधी जी जो है वहाँ पे चंपारण जाते हैं और भारत का पहला जो है कह सकते हैं गांधी का आगमन बिहार से ही शुरुआत होता है और अंग्रेजों के खिलाफ एक खुली मोर्चा खुलता है, वहाँ पे गांधी जी की जीत होती है, तिनकठिया प्रणाली जो है वहाँ पे समाप्त होता है और भारतीय आंदोलन में गांधी का युग शुरुआत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन है लिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है किंतु गांधीवादी नहीं। तो देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन पूछता है रिपीट मोड में, बहुत शिद्दत से इस सब क्वेश्चन को ना दिमाग में रखिएगा। देखिए गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, ठीक ना, 1931 ईस्वी में हुआ था 4-5 मार्च के आसपास 1931 ईस्वी में। तो वहाँ पे यह कहा गया था कि इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन भी यूपीएससी के क्वेश्चन में दिया था कि गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, तो इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। तो दिल्ली समझौता में यह कहा गया था, इसकी अध्यक्षता जो है गांधी 1931 में कराची अधिवेशन में हुआ था और यहाँ पे कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो यहाँ पे बता दूँ कि वल्लभ भाई पटेल किए थे कराची अधिवेशन की अध्यक्षता, 31 में हुआ था कराची अधिवेशन में। और यहाँ पे गांधी जी यह बात बोले थे कि गांधी मर सकता है, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, गांधीवाद नहीं। तो इस बात को याद रखिएगा, 1931 कराची अधिवेशन, अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।